किसी कमरे की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रमश 825 सेमी, 675 सेमी और 450 सेमी है। ऐसा सबसे लंबा फीता टेप ज्ञात कीजिए जो कमरे की तीनों विमाओं का पूरा पूरा माप जाता है। जैसे सर्वप्रथम हम जैसे देखिए यहाँ पर पूछा ऐसा सबसे लंबा फीता, जैसे बड़ी से बड़ी अधिकतम होती है मसप और छोटी से छोटी न्यूनतम लसप होता है, तो सर्वप्रथम हम मसप अभाज्य गुणनखंड से हम ज्ञात करते हैं। जैसे 825 और 675 और 450। सर्वप्रथम हम 825 में जब हम 5 का भाग देते हैं तो भाग गया 165 बार, फिर 5 का भाग दिया, फिर 5 का हमने भाग दिया तो 1 + 2 = 15 बराबर गया आपके 15 + 5 = 15 = 33 बार गया। और उसके बाद हम 3 का भाग दिया 11 बार। अब हम मसप जब अभाज्य गुणनखंड से जब हम ज्ञात करते हैं तो 675 में जब हम भाग देते हैं 5 का दिया तो 135 बार गया, फिर 5 का भाग दिया हमने तो 27 बार गया, फिर हमने 3 का भाग दिया तो 9 बार गया, फिर 3 का भाग दिया 3 बार गया, और फिर 3 का भाग गया 1 बार गया। उसी प्रकार से 450 में हम भाग देते हैं 5 का जब हम भाग दिया तो 90 बार गया, और फिर 5 का भाग दिया फिर 18 बार गया, और फिर हमने भाग 2 का दिया 9 बार गया, और फिर 3 का भाग दिया 3 बार गया, और 3 का भाग 1 बार गया। अब हम 825, 675 और 450 देखिए 5 × 5 × 3 × 5 × 5 × 3 × 3 × 3 × 5 × 5 × 2 × 3 × 3। अब देखिए जब हम 825 का, 675, 450 का हमने अभाज्य गुणनखंड से जब यदि मसप जब हम निकालते हैं तो तीनों में 5 कॉमन आता है, और फिर तीनों में भी 5 कॉमन आता है, और फिर ये 3 और कॉमन आता है, तो मसप बराबर 5 × 5 × 3 बराबर 5 × 5 = 75 सेमी, 75 सेमी। इसका मतलब कमरे की तीनों विमाओं का पूरा पूरा माप आता है। उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर चौथा, छः आठ और बारह से विभाज्य तीन अंकों की सबसे छोटी
छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। छह, आठ और बारह से विभाज्य तीन अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। जैसे छोटी से छोटी न्यूनतम लसप और बड़ी से बड़ी अधिकतम महसप। जैसे हम सर्वप्रथम जब हम निकालते हैं, जैसे तीन अंकों की सबसे छोटी संख्या, इसका मतलब लसप, लसप बराबर छ, आठ और बारह। ये हम अवैध गुणनखंड के अंतर्गत भाग विधि से हम सात में करते हैं। दो का भाग दिया तीन बार गया, फिर चार, फिर छ, फिर दो का भाग दिया तीन, फिर दो, फिर तीन, फिर दो का भाग दिया तीन, फिर एक और फिर तीन, फिर तीन का भाग दिया एक और फिर एक। जैसे लसप दो बराबर जब हम निकालते हैं, लसप लसप बराबर दो इंटू दो इंटू दो इंटू तीन, दो दो चार, चार आठ तीन चौबीस, इसका लसप कितना आया? चौबीस आया। तीन अंकों की सबसे छोटी संख्या, तीन अंकों की सबसे छोटी संख्या है बराबर सौ। अब हम सौ में, सौ के अंदर जब हम चौबीस का भाग देते हैं तो भाग गया छिन्नू भाग, पीछे बचा चार। जैसे चौबीस का भाग दिया हमने, सौ में छिन्नू भाग गया, चार भाग गया, और सौ में से छिन्नू घटाते हैं तो पीछे बचते हैं चार। अब देखिए संख्या संख्या बराबर, संख्या जो हमारी 24 है, 24 माइनस 4 बराबर 20। जो संख्या है 24 में से हम 4 घटाते पीछे बचता है 4, तो बराबर 100 प्लस 20 बराबर 120। सबसे छोटी संख्या हमको प्राप्त होगी 120, जिसमें 6 का भी भाग जाता है, 8 का भी भाग जाता है और 12 का भी भाग जाता है। जैसे देखिए हम निकालते हैं तो 24 में से, जैसे मान लीजिए यदि 4 पीछे बचते हैं, यदि 24 को यदि हम 4 से गुणा करते हैं, 4 4 तो 16, 1 आठ और एक नौ, प्लस चार बराबर सौ। उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर अगला पांचवा आठ दस और बारह से विभाज्य तीन अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। आठ दस और बारह से विभाज्य तीन अंकों
तीन अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। जैसे हम ज्ञात कर रहे हैं 8, 10 और 12 से विभाजित तीन अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। जैसे छोटी से छोटी न्यूनतम महत्व होता है और बड़ी से बड़ी अधिकतम महत्व होता है। तो अब हम जैसे हम ज्ञात करते हैं तीन अंकों की, जैसे 8, 10 और 12 से विभाजित तीन अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो सर्वप्रथम हम जैसे 8, 10 और 12 जिसका हम लसप दो का भाग दिया, 4 बार गया, फिर 5, 6, फिर 2 का भाग दिया, 2 बार गया, 5 और 3, फिर 2 का भाग दिया, 1 बार गया, 5, 3 का 3, फिर 3 का भाग दिया, 5, 1, और फिर 5 का भाग दिया, 1, 1 और 1। अब हम LCM बराबर 2 × 2 × 2 × 3 × 5, 2 × 4 × 4 × 8, 8 × 3 = 24 और 24×5, जैसे 24×5 = 20, 2 × 10 = 12 बराबर 120। 2 × 2 × 2 × 3 × 5 = 120। तीन अंकों की सबसे बड़ी संख्या है 999। तीन अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या हुई? 999। अब हम जैसे 999 के अंदर हम 120 का जब हम भाग देते हैं, 120 का जब भाग दिया तो 8 बार है। 120 का जब भाग देते हैं हम, 8 बार गया, जिसका मतलब 960 माइनस 9 और 3, पीछे बचते हैं 39। 39 बचते हैं, तो 999 में से बराबर सबसे बड़ी संख्या 999 माइनस 39। 999 में से 39 घटाते हैं 0, 6 बराबर 960 संख्या प्राप्त होती है, जिसमें 8 का भी भाग जाता है, 10 का भी जाता है और 12 का भी इसमें भाग जाता है। तो तीन अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगी 960।